सब्सक्राइब करें, प्रेस करें बेल आइकॉन और पाएं मुंबई, नवी मुंबई एवं बॉलीवुड की ताजा तरीन खबरें। नवी मुंबई को कोरोना मुक्त करने की दिशा में विधायक गणेश नाइक हर मुमकिन प्रयास कर रहे हैं। कोविड के इस समय में लोगों को किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो, इसलिए उन्होंने अपने सभी कार्यकर्ता एवं नगर सेवकों की टीम को ये आदेश दिए हैं कि 24/7 अपने प्रभाग की जनता के लिए उपलब्ध रहकर उनकी समस्या सुलझाए। अपने नेता गणेश नाइक के नेतृत्व में सभी भाजपा कार्यकर्ता अपने प्रभाग में सेवा प्रदान कर रहे हैं, मगर पिछले कुछ दिनों से मरीजों को वेंटिलेटर एवं आईसीयू बेड उपलब्ध ना होने की बात पूर्व नगर सेवक सूरज पाटिल ने आयुक्त के सामने रखी। उन्होंने ये भी कहा कि रायगढ़, कल्याण, डोंबिवली एवं मुंबई से आने वाले लोगों को यह बेड उपलब्ध हो जाते हैं, मगर नवी मुंबई के लोगों को बेड के लिए 4-4 दिनों तक तरसना पड़ता है। 8-10 दिवसात असं समोर सिच्युएशन आली आहे की व्हेंटिलेटर अवेलेबल नाही आहेत, आयसीयू अवेलेबल नाही, का पेशंट संख्या वाढली आहे, का रायगड, कल्याण, डोंबिवली, मुंबईचा भारसुद्धा इथे यायला लागला। मग अशा परिस्थितीमध्ये आपल्या नवी मुंबईकराचा ऑक्सिजन विना, व्हेंटिलेटर विना, आयसीयू विना जीव जाऊ नये हे पहिलं उद्देश ठेवून आदरणीय गणेश नाईक साहेबांसमोर आज आयुक्तांच्या बैठकीत तो मुद्दा घेतला की सर, 3-3, 4-4 दिवस बेड उपलब्ध नसेल तर हे आपलं दुर्भाग्य आहे आणि कुठलाही नवीन बेकर बेड विना त्याचा मृत्यू होऊ नये हे आपला उद्देश मार्गी लागणार नाही। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने आयुक्त से ये भी शिकायत की है कि जो भी अधिकारी बेड उपलब्ध होने की जानकारी देने के लिए नियुक्त किए गए हैं वे फोन ही नहीं उठाते। अभिजीत बांगर सरांना ती विनंती केली गेली की अधिकारी आम्ही जर रात्री 3-4, 2 फोन उचलतो तसा एक अधिकारी सुद्धा तुम्ही कार्यरत करणार आहे, आणि त्यांनी त्याप्रमाणे कुडुसकर म्हणून जे अधिकारी आहेत त्यांना अपॉइंट केल्याचं सांगितलं। त्यानंतर डॉक्टर ढोळे मॅडम, आपल्या अतिरिक्त आयुक्त ढोळे मॅडम यांच्यावरती जबाबदारी देतो की अर्ध्या रात्रीसुद्धा तुम्ही फोन केला तर त्या तुमचा फोन अटेंड करतील। सर्वसामान्य नागरिक, लोकप्रतिनिधी किंवा जनरल नवीन बेकर कोणी यांच्याकरिता तो इझी अवेलेबल नंबर पाहिजे की पॅनिक असलेला नातेवाईक आपल्या नातेवाईकाला घेऊन हॉस्पिटलसाठी धडपड असतो तर त्याची वणवण झाली नाही पाहिजे, त्याच्यापाठी आम्ही सक्षमपणे उभे आहोत, पण आमचे हात मजबूत करण्याकरिता प्रशासनसुद्धा आमच्यासोबत त्याचपरीने राबलं पाहिजे, हाच आजचा मुद्दा होता। आगे उन्होंने ये भी कहा की आयुक्त अभिजीत बांगर द्वारा उन्हें सकारात्मक जवाब दिया गया है। मला अपेक्षा आहे की आज दिलेलं उत्तर बांगर साहेबांनी जे उत्तर दिलं त्यानुसार कुठल्याही नवीन बेकराची बेडसाठी वणवण होणार नाही हे गणेश नाईक साहेबांनी सुद्धा त्यांना सूचना केलेत, निश्चित हे पुढे चांगल्या दिशेने पाऊलवाट चालेल। ब्युरो रिपोर्ट, NMTV न्यूज़।